मथुरा नववर्ष मेले को लेकर मेला समिति के महामंत्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा भारतीय गौरवशाली इतिहास परंपरा नववर्ष समिति मेला का आयोजन 21 वर्ष से किया जा रहा है। इस बार भी बड़े ही धूमधाम के साथ ही मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समिति मथुरा के द्वारा पिछले 20 वर्ष से मन रहा है और ये 21वां मेला होगा। यह मेला हम अपना जो शुक्ल प्रतिपदा से इसका प्रचार प्रसार समाज में तेजी से फैले, इसके लिए हम इस मेले को लगाते हैं। क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, गुलामी की मानसिकता के कारण से हम 1 जनवरी इसको अपना नववर्ष यह समाप्त हो। और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का हमारा सबसे प्राचीन जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, इस दिन भगवती माँ दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होती है, इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने शक और हूणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रम संवत की स्थापना की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की। बहुत सारी हिंदू घटनाओं से यह दिन जुड़ा हुआ है। इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन गुलामी के कारण से हम इसको धीरे धीरे भूलते चले गए। हमने नववर्ष मेला समिति के माध्यम से और उस मेले के माध्यम से समाज में जन जागरण के लिए यह बताने के लिए कि नहीं, यही हमारा नववर्ष है। और हम जितने अपने समाज के अंदर हिंदू तीज त्यौहार मनाते हैं या हम अपने विवाह शादी भी करते हैं, पंडित जी से पत्रा दिखवाते हैं, वो उसी विक्रमी संवत के कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं। लेकिन जब मनाने का नंबर आता है तो हम इसको भूल जाते हैं। इसलिए समाज इसको याद रखे, विक्रमी संवत यही हमारा नववर्ष है। इसको हमने मेले के रूप में मनाना शुरू किया है। इस बार हमारे मेले के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ, हमारे मेले के मुख्य अतिथि जनरल VK सिंह जी, पूर्व थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री, वो हमारे मेले में अतिथि हैं। और रात्रि में हमारे मेले में एक विशेष कार्यक्रम होगा। जैसा आप सबको मालूम है, योग को हमारे मोदी जी के द्वारा दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा दिलाई गई और आज सारी दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही योग संबंधी एक कार्यक्रम हमारे मेले में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। एक बहुत प्रसिद्ध योग करने वाली टीम है पवन पाठक समूह द्वारा, उनकी एक 5-7 लोगों की टीम आएगी और वो ऐसे आश्चर्यजनक करतब वो योग के